हस्बैंड का बैग बिल्कुल रेडी हो गया और बस वो निकलने वाले हैं। आराम से जाना और तू भी आते टाइम आराम से आना रे। बाय बाय। हेलो एवरीवन, हाय, हेलो एंड नमस्ते। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम सब लोग भी ठीक हैं। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज फाइनली मौसम अच्छा हो रखा है इतने दिन बाद, और हम लोग आ चुके हैं देहरादून। कल आ चुके थे हम लोग देहरादून, तो आज जो हस्बैंड है वो आज छुट्टी ख़त्म हो गई उनकी, तो आज ले जाएंगे वो रात में जाएंगे। तो अभी उनकी पैकिंग हो गई है, हस्बैंड की पूरी पैकिंग की अभी फोल्ड करके रख दिया, तो अब इनको बैग में रखेंगे तो वो आज जाएंगे। तो मैं भी जा रही हूँ नाश्ता बनाने, क्योंकि आज सुबह या दिन में जो भी है उनके मनपसंद का बनेगा, क्योंकि फिर वो ड्यूटी चले जाएंगे और आएंगे 5-6 महीने बाद, तो वहाँ पे तो उनको इस तरह का खाना जो होता है आज बनाने में पनीर पराठे, तो वो तो उनको वहाँ मिलेगा नहीं पनीर के पराठे। तो आज सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के पसंद का खाना बनेगा। तो अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। फास्ट हो चुका है और मैं अभी कर रही हूँ सफाई, और मेरा पता बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा सफाई करने में, क्योंकि मैं सोच के मेरे को इतना ख़राब लग रहा है कि ये चले जाएंगे। क्योंकि मैं पता है क्या, जब से मेरी बेटी हुई 2014 से, मैं तब से कंटिन्यू अपने हस्बैंड के साथ हूँ। क्योंकि एक बार उनको पीस मिला था, फिर उसके बाद यारी मिली तो वहाँ पे भी क्वार्टर थे, तो फिर उसके बाद 6 और 2 साल दिल्ली में रही हूँ मैं। 6-7-8 साल हो चुके हैं, तो मतलब 8 साल एक साथ रहे यार, अगर मैं अकेले रहती तो मुझे आदत होता कि हाँ चल गए। अभी 8 साल जब साथ में रहे, अब जा रहे हैं वो फाइनली 3 साल के लिए, तो मुझे बड़ा ख़राब सा लग रहा है कि मतलब एक आदत सी हो जाती ना हर किसी की, तो बस वही है कि उनको भी बड़ा ख़राब लग रहा है। तो क्या कर सकते, जाना तो है ही, क्योंकि आर्मी वालों के साथ यही होता है कि सबसे पहले उनके लिए ड्यूटी है और उसके बाद फैमिली है। तो कोई नहीं, हम भी रह लेंगे, क्योंकि हम भी एक सोल्जर वाइफ हैं, तो दिल को मजबूत करना पड़ेगा। तो वो खैर जाएंगे रात में, अभी नहीं जाएंगे, तो अभी जा रहे हो थोड़ा बहुत जो सामान है मार्केट का वो ख़रीदने गए। तो चलो मैं भी कर लेती हूँ सफाई, और फिर उसके बाद आगे के बहुत सारे काम करने हैं। तो सुबह से धूप थी और 2 घंटे धूप रही होगी, तो मैंने बहुत सारे कपड़े भी धुले थे, तो वो तो सूख गए खैर। और अभी इतनी मोटी मोटी बारिश हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ उत्तराखंड में जुलाई और अगस्त दो महीने यहाँ पे बरसात का मौसम रहता है, और कंटिन्यू हर दिन बारिश होगी। अगर सुबह नहीं होगी तो शाम को होगी, और शाम को नहीं होगी तो सुबह बारिश होगी। तो अभी बारिश हो रही है और हम लोगों ने खाना खा लिया, क्योंकि हस्बैंड और भाई मार्केट जा रखे काम से, तो उन्होंने मार्केट में ही खा लिया और हमने खा लिया। तो मैं अभी अब नहाई भी, मैं थोड़ी देर पहले जब पूरा काम निपटा था मेरा, तो अभी जा रहे हैं अब थोड़ी देर आराम करने और फिर उठेंगे थोड़ी देर में। तो अभी थोड़ा सा मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा काम है, अब फिर हस्बैंड तो चले जाएंगे आज, तो कल से मेरे को खुद ही सारे काम अकेले करने पड़ेंगे। तो मैं सोच रही कि जो थोड़ा बहुत काम है बच्चों के लिए, कुछ अल्हारा है स्कूल के लिए, तो वो चले जाते हैं और अभी लेके आते हैं, तो अभी निकल रहे हैं। तो हस्बैंड आज कम्प्लीटली मेरे ब्लॉग में आए हैं, क्योंकि वो बहुत कमाते हैं, इसलिए मैंने कहा जब थोड़ा सा आ जाएगी तो चलो चलते हैं अभी, और तब मिलते हैं थोड़ी देर में। चिया, और ये इतनी प्यारी सी है ना, जिसको पहचानते उसके पास आती है, वरना जिसको ना पहचाने तो बिल्कुल भगा दे पूरे कॉलोनी से। चिया चिया चिया, हम पहुंच चुके हैं तहसील चौक। हम लोग जा रहे हैं पल्टन मार्केट, थोड़ा बहुत सामान खरीदना है वहाँ पे, तो अभी एग्जैक्टली हम तहसील चौक में। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती, क्योंकि ये बेसिकली लोग यहीं से आते हैं तहसील चौक से सबसे ज़्यादा, और फिर इसीलिए यहाँ पे मार्केट में भीड़ रहती है। और अभी शाम का टाइम है तो भीड़ तो रहती है, क्योंकि लोग दिन में बहुत बारिश हो रही है आजकल, और शाम को थोड़ा मौसम ठीक हो जा रहा है, तो लोग शाम को ही आते हैं। तो अभी हम भी थोड़ा बहुत सामान लेके फिर चलेंगे घर। सामान ऑलमोस्ट ले लिया है और अब जा रहे हैं घर, क्योंकि टाइम हो चुका है 9 बजे, पता ही नहीं चलता टाइम का कि कब बीत जाता है। तो अभी चलो चलते हैं घर।
अभी हम लोग घर नहीं पहुँचे और 10 बजने वाली है, क्योंकि हर एक सामान ये भी खरीदना ये भी चाहिए, तो सामान खरीदते खरीदते मेरे पास इतना सारा सामान हो चुका है, और तो अभी निकलते हैं 10 बजने वाले, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं मामा के पास, तो बस निकलते फटाफट, फिर मिलते हैं आपको घर में। हम लोग पहुँच चुके हैं अभी घर और बज गए 10:30। तो क्या मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा सामान खरीद करते देर हो गई, तो थोड़ा बहुत बच्चों का सामान लेके आई तो मैं दिखाती हूँ। माही के लिए टिफ़िन बॉटल और बीबू के लिए भी टिफ़िन स्कूल जाने के लिए, पहले का भी ला रखा था लेकिन वो ऐसे ही नॉर्मली था, जल्दीबाजी में ख़रीदा, तो इस बार मैं बच्चों के लिए मिल्टन के टिफ़िन और बॉटल लेके आई हूँ और सामान भी लाया। तो बीबू सो रखा था, अब उठा भी, तो साथ में मैं बच्चों के लिए बरसातियाँ भी लेके आई। अब स्कूल जाएंगे, बीबू भी अब स्कूल जाएगा, तो अभी यहाँ पे जुलाई और अगस्त में बरसात का मौसम होता है, तो हर दिन होता है, तो इस वजह से दोनों के लिए बरसातियाँ भी लाई। तो हस्बैंड का बैग बिल्कुल रेडी हो गया और बस वो निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, तो एक बैग ये है और एक बैग है, तो ये देखिए पूरा बैग हो गया पैक, हस्बैंड हो गए बिल्कुल रेडी जाने के लिए और अब निकलने वाले हैं 5 मिनट में। मिले चा बोलना बाय, आराम से जाना, और तू भी आते टाइम आराम से आना रे, बाय 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 बाय। मामू को लेके जाऊंगा ठीक है, चले गए पापा, हस्बैंड चले गए, भाई गया अभी छोड़ने, बाय बाय। हस्बैंड चले गए और ये सबसे टफ टाइम होता है जब इस तरह से उनको बाय करते, सबसे टफ टाइम। खैर कोई बात नहीं, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक बाय बाय।